आप क्या सबको बैठा के इंटरव्यू करवाओगे जो लोग आएंगे? यही कहना चाहूंगा, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हमारे डायरेक्टर, बहुत नर्वस है। नर्वस तो बिल्कुल ये नर्वस ये है, हम बिल्कुल नर्वस नहीं है सच में। हम बस देखिए, बहुत जरूरी चीज़ होती है। अभी मैंने मेरी सिस्टर से बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तूने एक चीज़ स्टार्ट की और उसे ख़त्म कर दी है और वो रिलीज हो गई है सब जगह, तो हमें तुमसे दिखाई दे रहा है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए, ललित के लिए, मेरे डैड के लिए, मेरे लिए, टीजे के लिए, दैट वी स्टार्टेड समथिंग व्हाट वी लव्ड एंड वी हैव फिनिश्ड एंड इट हैज सीन द लाइट ऑफ द डे। Nice. Same. क्योंकि यही है तो हाँ नहीं, कबूले में भी अच्छा लेवल दिया था तो उस लेवल को थोड़ा सा एक ट्रांजिशन दिया है। इस बार के पहले इन्होंने ये फिल्म स्टार्ट की थी, करेक्ट। हाँ, और जो रोमांस इन्होंने इस फिल्म में करवाया, और मैं दिन में इस बार शूट करता था और रात को ये फिल्म शूट करता था। तो अभी इसका नया एंगल है रोमांस का इस फिल्म के अंदर, अभी देखिएगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत खूबसूरत रहा, बहुत सुपर था। मैं क्या कहूँ यार, ये एक तो एक्टर के बतौर आप सेट पे जाते हो एक्ट करके, थोड़े अपने टेंटर्स दिखा के चले जाते हो, ठीक है। इस फिल्म में एक्चुअली हाँ, केवी सही आदमी है बताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ये फिल्म में हमने हमारा खून पसीना पैसा सब कुछ लगाया हुआ है, एंड हमें बिकॉज हम बड़ी बड़ी फिल्मों के अगेंस्ट आ रहे, तो हमें भी एक ऐसा एक मुकाम, एक ऐसी स्टैंडिंग हमें करनी थी कि लोग ऐसे ना बोले कि अरे ये आए और ये चले गए। नहीं, वैसी बड़ी फिल्मों के साथ ये फिल्म भी हो और दोनों के साथ दोनों के बारे में बात करें, हमें ये एक हमारा यही बेसिकली गोल था। And with God's grace, we have achieved that, man. भाई सोए नहीं हम लोग रातों से। ये मैं बताता हूँ तो मतलब केवी शॉट करता था और मुझे हमेशा डर लगता था, पता नहीं क्या होगा, कहीं परफॉर्मेंस ना भूल जाए, डायलॉग ना भूल जाए। बीच में जाके मेकअप मैन आया कि नहीं, चेक करता था वैनिटी आया कि नहीं, यूनिट का खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, एयरपोर्ट पे गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची, ड्राइवर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अच्छा रात के लिए सब लोग का खाने का इंतजाम हो गया कि नहीं हो गया। तो बीइंग एन एक्टर साथ साथ ये जो प्रोडक्शन जो केवी ने किया, दैट वाज आई थिंक टू टफ एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। आई थिंक एवरी पार्ट ऑफ इट, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कैंपेनिंग मार्केटिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस और वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो हमें आगे बहुत काम आएगा यार। अभी बहुत आ गया टीवी और फिल्म में, जो मैं डिफरेंस देखता हूँ एज अ डायरेक्टर, जब आप एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए आते हो तो आप स्टेज पर होते हो, क्योंकि आपने वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, आपने वो लोकेशन फाइनल की है, सब कुछ आपने किया। एंड टेलीविज़न दैट सर्टन डिपार्टमेंट, जो कोई कॉस्ट्यूम देखेगा क्रिएटिव, कोई कुछ देखेगा, स्क्रिप्ट किसी और की होगी, अप्रूवल किसी और का, एडिट कोई और कर रहा होगा, ठीक है, म्यूज़िक कोई और फाइनल करेगा, बट इन फिल्म यू डू एवरीथिंग। सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड द फिल्म, यू डोंट कम एट अ स्टेक व्हाइल यू आर शूटिंग अ टीवी शो। मतलब टीवी का ऐसा है कि वेडिंग प्लानर को दे दी, वो करे वो संभाले। मूवी का क्या है कि माँ बाप भाई बहन उन्हीं को सब कुछ करना पड़ता है, यू नो दे आर इन्वॉल्व फ्रॉम द स्टार्ट, न्योता देने से लेकर साड़ी, कपड़े, खाना पीना, कार्ड्स, एवरीथिंग यू हैव टू डू। एंड यू नो ये दिस इज़ अ लेबर ऑफ आवर लव, और हमने वो सब कुछ किया है जो शादी में करते हैं एक्चुअली। सॉरी भाई, कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे ही बयान नहीं करते, वो बस हमारे जहन में रखते, दिल में रखते और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते, थैंक यू सो मच। बट यही कहना चाहूँगा, इट हैज़ बीन वेरी वेरी वेल रिसीव्ड, पॉपुलैरिटी वाइज भी और क्रिटिक वाइज भी। अरे अनुपम जी की फिल्म भी इतनी अच्छी करे, हमारी फिल्म भी इतनी अच्छी करे, अनुपम जी इज़ अ वेरी वेरी, आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम टू मच, ओके। एंड आई फील ऑल मूवीज शुड डू वेल। सबसे डिफिकल्ट रहा है पिक्चर को रिलीज करना सच में, बिकॉज हमने सोचा कि ठीक है हम स्टूडियोज में देंगे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे,
इट्स नॉट ईजी टू क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज वो एक बिजनेस है, वो एक फिल्म का एक फिल्म बना लेते हो, दैट्स ईजी पार्ट आई थिंक यही रहा टू मार्केट एंड टू सेल द मूवी. देन मैंने पापा को बोला यार पापा आपका इतना बढ़िया मतलब बरसों से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, व्हाई डोंट यू डू दिस. तो ही सेड रियली आई थिंक यू नो वो जैसे हनुमान कैसे होता है, हनुमान को रियलाइज करना पड़ता है कि उसकी पावर क्या है, तो पापा को भी रियलाइज कराना पड़ा कि आपकी पावर ही है. एंड दैट्स व्हेन ही कॉल्ड ऑल द पीपल ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस इंडिया एंड एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि यार करते हैं, बेटे की पिक्चर है, लड़के की पिक्चर है, चलो करते हैं. एंड विद गॉड्स ग्रेस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टअप हो गया इससे. कौन सा बाइक आगे का मलाड ले जाऊंगा. यस मूवी के बारे में अभी तो अभी देखी नहीं है, जैसे ही देखने जाऊंगा कुछ कहूंगा. बट जो पोस्टर है, जो ट्रेलर है, वो देख के काफी अच्छे लग रहे हैं. एंड सीम्स लाइक अ इंटेंस पैशनेट लव स्टोरी विद अ थ्रिलर ट्विस्ट. राइट. एंड ललित मोहन ललित सर ने डायरेक्ट किया मूवी. एंड जो हमारा पहला शो था सुबीन मेरे साथ, वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था. एंड वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर हैं, तो उनकी फर्स्ट मूवी है. एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. एंड करण हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, उनकी पहली लॉन्च है फिल्म है. राइट. एंड ललित सर की फिल्म है. सो वी एंड प्रिया. हां प्रिया, प्रिया मेरी दोस्त है. हां प्रिया की सॉरी एक्टिंग तो सबके लिए एक्साइटेड है बिकॉज सारे ही अच्छे एक्टर्स हैं. समीर कोचर हैं, करणवीर है, प्रिया है. एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी मूवी है. सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट. एंड बाकी सबको भी ये कहना चाहेंगे हमारे फ्रेंड्स की मूवी है, जाओ प्लीज़ देखो जाकर. यस प्लीज़. अभी बहुत इनिशियल है उसके बारे में. अभी तो शो डेवलप हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें. और मैन ऑफ एक्शन, हाँ, तो वो शब्द नहीं बोलते, जब चीज हो जाती है तब उसके. तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है. अगर मैं कुछ भी शेयर करूँ सही बताऊँ, मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, फिर उसके बाद सारी बात करेंगे. कल या कलर्स के साथ है जी. जी इनको बैठे बैठे यहाँ पे अभी प्रीमियर में जानकारी मिल गई. आज अपनी बात नहीं करता हूँ, आज अपनी फिल्म की बात करेंगे. हमें तुमसे प्यार है कितना. राइट. कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैंने अभी तक किया नहीं है टू बी ऑनेस्ट. बाकी नेक्स्ट टाइम. बहुत अच्छा लगता है जब टीवी फ्रेटर्निटी से व्हेन यू नो पीपल आर स्टेपिंग इन बॉलीवुड. आई गेस इट्स वेरी गुड फॉर अस एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड आई नो केवी, सो बेसिकली केवी और माय नेबर्स थे, सो दैट्स हाउ आई नो केवी. एंड ही इज अ वेरी 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 डियर फ्रेंड ऑफ माइंड. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म. बहुत ही ज़्यादा पसंद है. एंड ललित सर हैज डायरेक्टेड दिस, सो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. इश्कबाज के डायरेक्टर थे वो एंड आई नो हिम सिंस ईयर्स. सो बहुत ही अच्छा लगा. एंड स्पेशली द टाइटल हमें तुमसे प्यार कितना, वो सॉन्ग कितना फेमस है, एवरीबडी नोज दिस. सो या आई एम श्योर द मूवी विल बी बैक. बहुत ही अच्छी बात है. आई गेस इट्स वेरी गुड दैट टीवी इज़ ग्रोइंग. आजकल मुझे लगता है कि टीवी वालों की ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है. बट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू. क्या वेल वेरी एक्साइटेड बिकॉज करमवीर दोस्त है और बहुत मेहनत की है उसने इस फिल्म पे. जब भी आई एम श्योर उसकी पहली है तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी. एंड एज फ्रेंड्स वी शुड ऑल सपोर्ट हिम. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हिम. एंड मैं चाहता हूँ कि फिल्म अच्छा करे. एंड यू नो व्हाटएवर इट डज एट द बॉक्स ऑफिस इट रियली शुड डू वेल.
fingers crossed for him. Having said that, I really love the songs from the film. बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, श्रेया घोषाल जी ने गाए हैं, सोनू निगम जी ने, लाइक यू नो एवरी वन इज़ बिन सपोर्टिंग द फिल्म ऑल्सो. और वो जो हमें तुमसे प्यार कितना जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, और उसका जो रीमेक रीमिक्स वर्जन है जो इस फिल्म में है वो भी बहुत कमाल का है. एंड आई जस्ट आई एम वेटिंग टू सी द फिल्म एंड देन गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट. I think हर एक्टर फिल्म करना चाहता है बिकॉज द कैनवस इज़ वेरी बिग. और जो छोटे पर्दे पे जो दिखता है उसका जो, और जो बड़े पर्दे पे दिखता है उसका जो मज़ा है वो अलग अलग है. आई थिंक इंक्लूडिंग मी, वी ऑल वॉन्ट टू बी देयर ऑन द बिग स्क्रीन एंड गेट द राइट अपॉर्चुनिटी. सभी उसी में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं. And it's just about doing the right film. I think this has been produced by his family only. So all the best to him. And it's not easy to make people come to the theaters and watch the film. So I just wish that this happens for this film, Hame Tumse Pyar Kitna. And you know, Karan's film career just goes on a roll. I think I'm an actor. Ye यूजअली हम पीपल फ्रॉम द मीडिया फ्रॉम द फ्रटर्निटी जो साले से चलता आ रहा है कि टी वी एक्टर फिल्म एक्टर, ये वो जो डिफरेंशिएशन है आई थिंक वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए. आई थिंक एन एक्टर इज़ एन एक्टर, तभी तो टी वी एक्टर्स भी फिल्म कर रहे हैं, तो वो तो एक्टिंग ही कर रहे हैं. बस यू नीड अ गुड डायरेक्टर एंड इफ यू आर डूइंग टी वी देन यूर टर्म्ड एज अ टी वी एक्टर, बट आई थिंक यू ऑल शुड ऑल्सो स्टार्ट कॉलिंग देम एक्टर्स नाउ एंड नॉट डिफरेंशिएट. I like to do a romantic comedy agar if I have to do a film, aur romantic comedy mein maza aayega, mujhe lagta hai hansane mein logo ko bada maza aata hai aur romance logo ko pasand bhi aata hai, it never dies. So I think I would love to do that kind of a film. Having said that, as an actor I want to obviously try different roles. So jaise jaise cheeze hoti rahengi waise waise karte rahenge. मुझे एज अ कॉमन मैन बजट से ज़्यादा आई एक्सपेक्ट कि रोड्स ठीक से बन जाए. बस आई जस्ट वॉन्ट कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से बन जाए. यू नो अभी जो बारिश हुई है उसमें इतने लोगों की जाने गई हैं एंड इट्स रियली सैड. और अभी मलाड सबवे में दो लोगों की गाड़ी फंस गई और यू नो दे लॉस देयर लाइव्स एंड द रोड्स वर सो बैड. वो टी वी पर ही दिख रहा था कि कितना ख़राब है. आई मीन बहुत आसानी से बन जाते हैं अच्छे रोड, अगर एक्सप्रेस वे पे बन सकते हैं तो बॉम्बे में क्यों नहीं बन सकते. कोई रीज़न नहीं है यार, अभी जब रोज़ शूटिंग करते हो तो रोज़ ही प्रोडक्ट लगता है बालों में एंड टू अवॉइड द प्रोडक्ट आई वेयर अ कैप. और बिकॉज स्टाइलिंग फिर नहीं करनी पड़ती आपको, दैट्स द ओनली रीज़न ऑनेस्टली. धूप तो निकली नहीं है तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम वेयरिंग अ कैप. Thanks. बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ. आई डोंट नो, लेट्स सी. अब सब कुछ जो होना था हो चुका है, प्रमोशन कर चुके हैं, शूटिंग हो चुकी है. नाउ लेट्स सी हाउ द पब्लिक टेक्स इट, फिंगर्स क्रॉस्ड.
बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज जब मूवी की शुरुआत हुई थी शूटिंग आई वाज इतनी छोटी सी हमारी भांजी भांजी कहेंगे नीस एंड शी एक्चुअली ड्रू दैट एंड शी इज सच अ फैंटास्टिक स्केचर सो प्राउड ऑफ यू मैं आई लुक लाइक एन एलियन आई लुक लाइक एन एलियन बट यू लुक ब्यूटीफुल नो कंटिन्यू थैंक यू सो मच बस बहुत वही नर्वस हूँ देखते हैं अभी पब्लिक कैसे लेती है दैट्स द मेन थिंग सो या किसके बारे में बहुत अभी जो बहुत अच्छा लगा मुझे आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल खुद पेंटिंग की है उन्होंने सो इट्स वेरी नाइस आई एम फॉन्ड ऑफ दैट स्टफ बट थैंक्स लुक वाइज डिफरेंट बहुत है मैं ऑथर हूँ मैं एक्चुअली रियल लाइफ में ऑथर नहीं हूँ बट बहुत ही सीरियस क्लासी टाइप का कैरेक्टर है जो टीचर है एक्चुअली और जो ध्रुव है वो उनकी स्टूडेंट है तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट एज यू वॉच द मूवी यू विल रियलाइज इट आई डोंट नो आई होप एवरीबडी डज वेल तीन मूवीज रिलीज हो रही है मलाल वन डे दिस बहुत लोग हैं बहुत पॉपुलेशन है सारी मूवीज जाके देखो तीन दिन है वीकेंड का गो वॉच एवरीथिंग बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ही इज वेरी नाइस टू वर्क विद वेरी कोऑपरेटिव एज एन एक्टर एज अ को एक्टर एंड आई हैव इट्स ही इज प्रैक्टिकली बिकम फैमिली सो इट्स बिन ग्रेट इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी कॉम्प्लीमेंट इस फिल्म के बारे में अभी तो देखने वाले हैं सब होपफुली ट्रेलर के और सॉन्ग्स के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले एवरीबडी इज लव्ड इट एंड आई एम ग्लैड गाने बहुत ही अच्छे हैं श्रेया घोषाल सोनू निगम जुबिन नौटियाल टोनी कक्कर नेहा कक्कर सब ने गाने गाए हमारे फिल्म में एंड आई थिंक एवरीबडी इज लव्ड द सॉन्ग्स सो आई एम ग्रेट थैंक यू ओके थैंक यू सो मच मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ पहला एल्बम था मेरा और दीपक का दोनों का टुगेदर एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सबका और आई एम सो थैंकफुल थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो मैंने ट्रेलर देखा है हमने वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है तो हम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पिक्चर इवन दो मैंने सॉन्ग्स जितने भी सॉन्ग हैं लाइक हमें तुमसे प्यार कितना अच्छा अमेजिंग सॉन्ग आवाज़ श्रेया घोषाल की अमेजिंग के वी आई एम श्योर ही किल्ड इट तो आई एम सो सो एक्साइटेड टू वॉच द मूवी अभी जाके पता चलेगा और ट्रेलर धमाकेदार लगा बहुत ज़्यादा यू नो थ्रिलर सस्पेंस सब दिख रहा है इसके अंदर और आई एम सो एक्साइटेड टू सी डिफरेंट रेस्ट ऑफ द मूवी से क्योंकि इस पर जो जो के वी प्ले कर रहे रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड प्रिया बनर्जी एंड के वी एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं सॉरी एज इफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली ऑफर आया है एक दो लेकिन उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा हमें तो कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है तो वी विल वर्क फॉर इट फॉर श्योर एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी वो उनकी अपनी सबकी अपनी लाइफ जीने का एक तरीका होता है एक अपना स्टाइल होता है उनको उनकी सोच अलग होती है तो उनकी सोच के हिसाब से अगर उनको लगा कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उनको वो लगा था कि अच्छा है उनके लिए अब इनको उनको एक चॉइस लिया है उन्होंने कि उनको नहीं करना है सो इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस आना भी जाना भी उनका पर्सनल चॉइस है तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है जैसे हमारी पर्सनल चॉइस थी हम किसी और इंडस्ट्री में थे अब हम इधर आए तो इट्स कम्प्लीटली यू नो इंडिविजुअल चॉइस और रही बात इस्लाम को फॉलो करना तो हम नमाज पढ़ते हैं रोज़े रखते हैं और साथ में अपना करियर भी परस्यू कर रहे हैं It's very good industry. Yeah, it's very nice.
आप लोगों को देख के एंड आई एम श्योर आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर योर न्यू शो यू आर लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी एंड डेफिनेटली यू विल रॉक इट थैंक यू सर या एक्चुअली साथ में काम कर चुके किसी भी गर्ल का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है पर उनका इंटेंशन वैसा नहीं था और रही बात जसलीन की तो उन्होंने भी बहुत कुछ बहुत बोल रखा है अपशब्द तो आई थिंक जसलीन जो दीपक ने किया वो चीज़ उसके लिए उसने माफ़ी मांगी एंड आई मस्ट टेल मैंने खुद दीपक से बोला था बात हुई थी हमारी तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे थे दीपक खुद सॉरी फील कर पर मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी जसलीन ने बहुत ही अपशब्द निकाले थे जब मैं घर के अंदर थी और वो घर के बाहर थी वो मेरे कैरेक्टर पे मेरी फैमिली मेरे फैंस बहुत कुछ बोला बहुत कुछ सो पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बीइंग अ गर्ल अगर उनको ये चीज़ बुरी लगी कि एक लड़की होकर उनको ये चीज़ बोला गया बट मैं भी एक लड़की हूँ मैं घर के अंदर थे बिग बॉस के घर के अंदर खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती थी और उन्हें काफ़ी वाहियात बातें बोली तो आई रियली होप जसलीन पहले आप उससे माफ़ी मांगी और तब आप दूसरों से माफ़ी की उम्मीद करिए बिग बॉस एक घर के अंदर होती पर इवेक्शन के बाद बाहर आ रही थी सो मैंने उनको हाँ मैंने उनको तभी जाते वक्त एक हक दिया और प्यार से बाय बोला और कहा जो होता है वो घर के अंदर होता है पर घर के आने के बाद इतना गंद निकालना आई एम सो सॉरी जसलीन आपको ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए और आई थिंक अभी यू नो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे हम केवी की मूवी देखने आए तो हम कुछ उसके बारे में बात करते हैं और हाँ रियली अब हमको भी बिग बॉस से आगे बढ़ना चाहिए बहुत नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम सो उसके बारे में सोचना बोलना चाहेंगे जो बीत गया वो कल है बिग बॉस ख़त्म हो चुका है कुछ नया अभी बिग बॉस 13 आ रहा है उनसे उसकी तैयारी करिए अनूप जी सलमान खान के मैं सलमान खान के लिए गई जाना चाहूँगी होने के लिए हाँ ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट वन एंड ओनली सलमान सर थैंक यू गुड लक टू केवी थैंक यू बहुत अच्छी पूरा फैमिली भी नो दैट दे आर द one of the biggest families film industry has you know they have been doing movie business since how long years you know so unka grandson matlab samjho ki ek beta aisa jisne television pe pura dhamaal macha rakha hai aur aise aise roles kiye hain aur ab film mein pehli baar he is coming you know and I have seen the trailer and I think he has got a personality he has got something inside that he is doing something very अनयूजल एक ऐसा कोई रोमांटिक रोल कर रहा है बट विद ए पैशन एंड विद ए ग्रिट यू नो देयर इज ए डार्क कैरेक्टर इट लुक्स लाइक ए डार्क कैरेक्टर बट ही इज सो कम्फर्टेबल इन डूइंग दैट एंड शूट्स हिज पर्सनैलिटी सो आई विश हिम ऑल द लक दैट दिस फिल्म डज हैव द काइंड ऑफ पब्लिसिटी द पिक्चर इज हैविंग इज वेरी गुड ही इज नोन बाई पीपल ही इज नॉट ए नोवेस ही इज नॉट ए अननोन पर्सन ही इज ही पब्लिक नोज हिम यू नो बिकॉज ऑफ हिज टेलीविजन एक्सपीरियंस the kind of roles he has done on television so I'm very very sure that this film is going to make a mark for him you know and his performance and the film will do very well because it looks like a very dramatic film shot very well you know and music is very good so my dear welcome to movies oh, and best of luck and Bora ji aapko bhi bahut bahut mubarakbad ki aisa acha beta itna acha actor you know और जो मतलब हम तो बोरा फैमिलीज को हम तो जब फिल्में देखा करते थे ना जो शुरू में हम तो तब से जानते हैं मतलब उसके बाद फेमस में बहुत मिलते और फेमस में बहुत मिलते बोनी कपूर के ठीक है ना नहीं रियली आई थिंक मेरा सौभाग्य है कि सतीश जी जैसे इतने दिग्गज कलाकार ही से सच नाइस थिंग और आई एम रियली आई एम वेरी हम्बल एंड वेरी गुड डायरेक्टर डायरेक्टर एक्टर ह्यूमन बीइंग या मोर इंपोर्टेंटली ह्यूमन बीइंग मोर इंपोर्टेंटली अदरवाइज रियली सतीश जी यू नो व्हाट एक बात पे ही यू जस्ट सेड यस आई एम कमिंग टू ब्लेस यू फॉर मी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है नो 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 माय फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली कोई कभी ना कोई कोने जरिया बन जाता है मेरा मेरा बहुत डियर फ्रेंड है मेरा लाइक ए ब्रदर शांतनु धर यू नो शांतनु टोल्ड मी दैट यू नो
Karan wants to speak to you. And he spoke to me, I said, no, koi beta, main pakka aa raha hu. There is no issue that I will not come, you know, I will come to bless you and wish you. Aur today, aaj mere baare mein nahi, aaj iska din hai. Aaj the day belongs to him, the day belongs to his father, his family and the film, you know. So because a new, career leaf, you can say that. But very soon I want to be directed by you. But I want to thank my friend, Shantanu Dhar, who told me that Karan wants to, contact. Look, he has come, he's here. The handsome man, that's him. भैया आज मैंने कहा ना, आज तो करण का दिन है यार, रमा आज तो हमें तुमसे प्यार कितना का दिन है. ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हर, यू नो, बहुत जबरदस्त. और वो जो डायरेक्टर हैं वो बहुत जबरदस्त हैं. प्रकाश जो है वो बहुत दिग्गज डायरेक्टर के बेटे हैं, के राघविंदर राव के, और जो उनकी वाइफ हैं है ना, कनिका ठंडन, शी इज़ ए ग्रेट राइटर. सो आई हैड ए ग्रेट टाइम. शैलेश प्रोड्यूसर है, सो इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद मी एंड दैट वाज थिंग. बट मैंने कहा ना कि आज दिन जो है हमें तुमसे प्यार कितना, ठीक है ना, कहाँ से वर्ड भैया. ब्लेस यू, ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. अरे और कुछ नहीं भैया, और कुछ नहीं. हमें तुमसे प्यार कितना. थैंक यू सो मच सोनू भाजी, रियली रियली अप्रिशिएट. यू नो इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे दोस्त यार इनकरेजमेंट देने के लिए आते हैं, सोनू भाजी वन ऑफ देम. एक फोन कॉल, नो सीरियसली, वन फोन कॉल. आई एम रियली हैप्पी, इन फैक्ट आई एम सो हैप्पी कि आई हैव सीन हिज ग्रोथ एज एन एक्टर, एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, एंड ऑल द पीपल हु कम, यू नो, हु आर नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड हु हैव मेड रियली बिग. And I think your name tops the list, man. And all the best. I just want to wish you all the best, whatever you're doing. And it's I know it's a first step. I know, but miles to go. But the journey is on. It's a first step. Be gentle. Yeah, be gentle, bhai log. Yeah. Ah, bhai log, please. Ah, I ज़्यादा एकदम वो क्या बोलते हैं, बदतर होने की ज़रूरत नहीं है. No, no. You know, I think. No, no. It's I always believe that it's an effort that matters. Yeah. And I'm really impressed and. A big salute to you for being so courageous and in this industry in today's time making your dreams come true is such a huge achievement. Yeah. So all the best to my brother, and I'm sure, you know, this film is going to rock and he's going to make every one of us proud. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. देखिए बड़ा मुश्किल काम है, यू नो, एज एन एक्टर जब आप जाते हैं तो आप अपना काम खत्म करते हैं और घर चले जाते हैं, बट व्हेन यू आर ए प्रोड्यूसर, व्हेन यू आर ए क्रिएटिव गाय, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर होती हैं. जब शूटिंग खत्म होती है उसके बाद आपकी दूसरी जर्नी शुरू होती है एज ए प्रोड्यूसर, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो इट्स अ ह्यूज चैलेंज जब एक एक्टर प्रोड्यूसर बनता है और क्रिएटिवली अपने ड्रीम्स को सच होते देखता है. सो आई थिंक इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर, एज ए को-स्टार, एज मीडिया गाइज to encourage a person who has taken the first step, and you know, so that this industry is a place where it's very tough to survive, but I think your support system will make many many more new dreams come true. Yeah, in the industry. Yeah, mere the Karan aayenge, Karan aayenge, Arjun bhi aayenge. Me, well, I think jab na hum picture produce karte hain, we learn how to respect a producer, how much you have to go through, kitna kuch manage karna padta. And I say we've not been the type to ever trouble a producer, and I think we got some of those good karams back. It's been a terrific journey, but not easy. But really, Sonu Paji, I think hum sab ek hi boat mein aap, as an actor, you also now produced, you gone to production. Yeah. And really, it's not easy. You know, but I'm very happy. I think this day is very, very important when one day you see the dream, and now it's a day when you actually see that dream coming true. So my wishes all from the core of my heart. Thank you. Thank you, thank you so much. Thank you so much. Thank you. अरे सोनू पाजी बोल देना 200 रुपए बजट में से ये पिक्चर के लिए लेते हैं. I think we all really expect a lot of good times ahead. You know, I think India is really doing well in many fields. So we all hope that, you know, budget should be, especially for the film industry, it should
you know, be very supportive, and you know, the entertainment industry has helped you know, the country reach various parts of the world. So it's very important to support and so that industry can flourish here. आज तो इस फिल्म की बात होनी चाहिए यार, हमारे भाई की पिक्चर है यार, यार हमारे, हम उसके कल कल बात करेंगे उसके बारे में, मैं खुद ट्वीट करूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई, चैनल ब्लेस यू मैन। जी योगेश लखानी जी, लोडिंग देखे कि नहीं? हां, मेरे चैनल से कैसे आप आ जा रहा हूं, मैं फोटो आपके साथ लेने आया था। मैं सर की फेवरेट स्टूडेंट हूँ। ललित सर ने मुझे मेरे पहले शो में, दूसरे शो में, दोनों शो में डायरेक्ट किया है, एंड आई नो दैट ही इज़ अ विजनरी। वो विजनरी हैं, और जो मूवी उन्होंने बनाई है, और वो यू नो ही इज़ लाइक ही सो इनटू द फिल्म सिंस इयर्स, द इंसेप्शन, द इंटायर थिंग, एंड टुडे इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। आर यू इमोशनल? Nervous. Please. And we know the songs are amazing. पहली बार उन्होंने मेरे से title track जब share किया था, and it became my favorite. And actually वो Taylor आने से एक साल पहले मैंने उसको सुनाया था set पे, और तब से every morning she used to get up and she used to listen that. Yes, और मैं अपने मलाड से, पवाई से लेके मलाड के set तक यही गाना सुनती थी. And I'm really looking forward to the film because of course Lalit sir, of course KV. And I'm also hoping to meet all my friends who've come here. Everybody is around. My God, look! Oh my God! Two of my besties. Congratulations. Thank you. Now you both sit. No. मेरी तारीफों की बातें करो, बैठ जाओ. नहीं, आप बैठो. हाँ, मेरे ना. ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए तो सब सितारे ही हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा सितारा आज यही है, और हमेशा ही है। ऐसा सितारा नहीं। क्या बात है यार, कैसे कर लेते हो? हाँ, ये दोनों गाना गाना चाहेंगे, इन्होंने मुझे फोन पे भी बोला था कि जब हम आएंगे तो गाना गाएं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। कोई मतलब किसी ने ताली नहीं मिली? ताली नहीं मिली। थैंक यू। अब चला जाए? हाँ, आज कुछ नहीं, आई एम एक्साइटेड। डॉक्टर ईशानी, कैसा लगा आप लोगों को लुक? आप लोग बताओ मुझे कैसा लगा आप लोगों को लुक, बिकॉज सच्ची 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 ISHANI डबल ए वाला नहीं है। मैंने सिद्धार्थ सर को भी बोला है, अपने प्रोड्यूसर को, अच्छे नंबर पे आता है। there is a lot of stress, nervousness. कुछ भी stress नहीं है, she's a rock star, she's always entertained us so much. How nice. कोई stress कैसे हो सकता है, tell me. No, I am a little stressed because इतना बड़ा brand है, सबने अपने बचपन में देखा है, and with the new cast and everything together, मोनीश सर हैं, गुरदीप जी हैं, शांतिनी, रोहित सर is fun. मेरे ऑपोजिट नमित है, आई थिंक द कास्ट इज स्टेलर, अमेजिंग, रश्मि है, सो इट्स एन अमेजिंग कास्ट। आप जब सेट आएंगे ना तो आप मुझे बताइएगा कैसा है। बहुत बड़ा सेट है, बहुत खूबसूरत सेट है, और वो सच्ची में हॉस्पिटल लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ हॉस्पिटल जा रही हूँ, बट ऑफकोर्स इट्स अ ब्यूटिफुल सेट और बहुत अच्छा माहौल है। Now let's start watching the film. Chalo. Thank you. Mai apne show
ऐसे कैसे होगा, तो हम कोने में बैठ जाएंगे ना सर। इधर थोड़ा सा इधर और everything's there, yeah. And also the songs are so beautiful. So yeah.
हाँ क्या आई मीन आई डोंट नो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप. लोग इंडस्ट्री में आते हैं ये सोचने के लिए कि हम एक्टर्स बनेंगे और एक्टर्स में एक बड़े मुकाम पर जाएंगे, बट ही एक्चुअली गॉन इवन अ स्टेप अहेड. वो प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, सो आई थिंक इट्स ग्रेट. या आई थिंक इट्स ही इज ग्रोइंग इन द फिल्म. एंड ऑल द लव, ऑल द बेस्ट विशेस टू केवी एंड द होल टीम ऑफ हमें. यस, मैं बता चुकी हूँ एक्चुअली, फिर बताइए. ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है. लाइक पीपल वॉन्ट टू नो कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा. फर्स्टली एंड सेकेंडली नाम बड़ा प्यारा है फिल्म का, हमें तुमसे प्यार कितना. सो दैट्स आई गेस दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि oh my God. अब फिर खींचेगा कोई ना कोई, नहीं नहीं अभी आपको जरूर खींचोगे. मुझे ट्रेलर इसलिए भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें ऑब्वियसली केवी है और आई एम ऑल्सो वॉन्टिंग टू मीट द हीरोइन, शी इज वेरी प्रिटी. लगेगी करण, सबकी लगती है. प्रोड्यूसर बनना आसान नहीं होता, तो मज़ा आएगा. I hope that he makes money and makes more films and more creative work जो उसे excite करे life में, because that's what we all live for. बहुत difficult होता है. That's one of the reasons why I do not face the camera in stuff that I produce. Because producers का बहुत different margin होता है, बहुत different तरीके से काम करना होता है, उनकी guidelines बहुत separate होती है. But if you are yourself on the project, it becomes very difficult. सलमान सर अरे वो तो टेलीविजन कब से कर रहे हैं, कब से टेलीविजन कर रहे हैं, वो कब से बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं. सो टेलीविजन का पार्ट होना केवल प्रोड्यूस होना ही नहीं होता है. आप किसी भी माध्यम से जब उसके पार्ट होते हो तो यो पार्ट टेलीविजन इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे. हो गया, मैं जाऊँ. ऑफकोर्स इट इज यार, बहुत बहुत रिस्क इसलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू आर पुटिंग ऑल योर सर्विसेज ऑल्सो राइट देयर एंड योर टाइम, एंड आई थिंक टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन एल्स ऑल्सो, प्लस पुटिंग योर ओन मनी ऑन टू इट. सो आई फील दैट, बट अगेन अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं सुनाओगे तो कोई और क्यों सुनाएगा. यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड वॉट यू रियली बिलीव इन एंड दैट मेक्स. हाँ तो हम सोच रहे हैं ऐसे क्या करेंगे ना, फिल्म सिटी जाएंगे और पिज्ज़ाज को ना ऐसे उठा उठा के अंदर फेंक दिया करेंगे, तो जिससे पहले कि कोई आकर ढूंढ भी पाए था तो लोग हाउस में खा लेंगे, क्योंकि हमें बड़ा मन करता था ऐसे पिज्ज़ाज वीज़ाज आ जाए तो. इसके अलावा अनुप सर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमें वापस जाना हो तो कहते हैं कैब के साथ जाना. कौन बोल रहे हैं? यार मैं तो जानता नहीं हूँ ना उनको पर्सनली, तो वो उनका जो मन करेगा वो बोल सकते हैं. हाँ मैं उनसे मिला नहीं हूँ पर्सनली, तो अगर उनका मन करे वो किसी के साथ भी जा सकते हैं. मुझे सुरभि के साथ जाना है, पर वो सुरभि वहाँ खड़ी रहती है और मेरे पास आती नहीं है बिल्कुल भी. देखो दैट्स शी इज़ राइट देयर, मूवी है स्टारिंग, आई हैव टू गो एंड शी विल ईट माय हेड. मुझे पता ही नहीं है, मैं बहुत जसलीन ने केस किया दीपक ठाकुर पे. क्यों जसलीन ने केस किया है दीपक ठाकुर पे? नहीं मैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. जसलीन ने अपेरेंटली केस किया है दीपक ठाकुर पे. अरे जसलीन है वो बिग बॉस में. हाँ तो पता था, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे पता नहीं था कि कुछ केस हुआ. आई लव यू गाइस, बाय. भाई मूवी का पोस्टर ही ऐसा है कि रोमांटिक टाइटल है और थ्रिलर पिक्चर है, तो कुछ अलग है और आजकल अलग ही चल रहा है भाई.
तो ऑडियंस पहले कंफ्यूज होनी चाहिए, फिर आगे देखना चाहिए थिएटर में कि हो क्या रहा है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेटअप बिकॉज मनोज बोरा की लुक भी जो है शाहरुख खान वाली है और पिक्चर भी थ्रिलर डर के जैसी है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी एक्साइटेड बिकॉज समथिंग विच इज थ्रिलिंग इज ऑलवेज एक्साइट्स मी. और ये शुरू से ही बहुत हम उसको एक्चुअली कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और कॉलेज से ये एकदम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही फोकस्ड लड़का था. एंड हमें वी ऑलवेज न्यू दैट ये जो भी करेगा कुछ कुछ अलग चीज़ निकल के आएगी क्योंकि इसका पैशन और बहुत ही क्रेजीनेस से करता है. सो हम एक टाइम थोड़े टाइम पहले मिले थे जब ये फिल्म की शुरुआत होने वाली थी टी सीरीज़ के ऑफिस में और हमें पता था कि अब ये घुस गया तो ये फिल्म ज़रूर बनाएगा. सो वी वेरी हैप्पी कि फिल्म आज की डेट में फिल्म बना तो बहुत लोग देखते हैं, थिएटर तक पहुँचाना मुश्किल होता है, बन भी गई थिएटर में आ भी गई. सो वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम. भाई म्यूज़िक अगर अच्छा बनेगा तो सराहाया जाएगा एंड हमारी बेस्ट विशेज हैं मीत ब्रदर्स एज म्यूजिशियंस कि सब इंडस्ट्री को अच्छा म्यूज़िक बनाना चाहिए और वी विल वांट कि भाई चार्ट्स में जाएगा ना. बहुत अच्छा म्यूज़िक है इस फिल्म का भी और बहुत अच्छा लग रहा है सबको. सो आई एम श्योर इट्स गोना बी बिग हिट. पुराना वाला हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. ओ हमें तुमसे प्यार कितना. वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. तो किशोर दा की याद दिला दी तुमने. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा एंड पोस्टर भी बहुत अच्छा लगा और बहुत वी आर वेरी इंट्रीग्ड कि सस्पेंस है थ्रिलर है क्या है. थ्रिलर है समथिंग इन द मूवी एंड वी वेटिंग एक्चुअली टू सी कि एंड में होगा क्या, क्लाइमैक्स क्या होगा क्योंकि ट्रेलर देख के कहीं पे थोड़ा बहुत गेस तो हो जाता है. देयर इज रोमांस, देयर इज ड्रामा, देयर इज एक्शन, बट एक्चुअली मिस्ट्री क्या है वो देखने में बहुत इंटरेस्ट है. आई थिंक आजकल धीरे धीरे स्टोरी लाइन्स चेंज हो रही हैं, दे आर ट्राइंग न्यू सब्जेक्ट समथिंग और द अदर. ये भी कुछ नया लग रहा है पुट इन द मूवी सो दैट मूवी ही डिफरेंट लगे. हाँ हाँ. सो ऐसे ही कुछ इस मूवी में भी है शायद, हो सकता है. इज इट अ मर्डर? आई थिंक कुछ तो हो सकता है. सस्पेंस थ्रिलर, थ्रिलर विदाउट अ मर्डर तो नहीं होता है. तो देयर कैन बी अ मर्डर ऑल्सो और देयर कैन बी समथिंग एल्स, आई एम जस्ट गेसिंग. सो ऐसा कुछ तो कुछ तो डिफरेंट है ही. वेल लकीली एल्बम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इन अ डे वी हैव क्रॉस्ड 100K. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि टचवुड माई फर्स्ट म्यूजिक वीडियो और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ऑल माई फ्रेंड्स केम. तो कल की रात एक्चुअली रियली नाइस, सो प्लीज वॉच. तो कल की रात भी हैपनिंग थी और हम आज भी सर का बेसिकली वी आर हियर फॉर ललित सर एंड केवी. ललित सर वॉज आर इशबाज डायरेक्टर एंड वी आर हियर टू सपोर्ट एंड वॉच द मूवी. Yeah. Yes. I hope after the movie. बहुत मजा है. कल एक रियूनियन था थैंक्स टू मानसी. आज सब मिल रहे हैं, कल सब गर्ल्स मिले थे तो अच्छा है, सबको मिलके भी अच्छा लग रहा है, साथ में मूवी भी देखेंगे तो और मजा आएगा. या आई होप हो कुछ मूवी के बाद प्लान. किसी ने इतनी सुंदर शिपकली देखी है कभी? So she broken all the records. वही तो वो दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली हाँ वही वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसे स्कैरी लग सकती हूँ. तो मेरा स्कैरी अवतार दिखा रहे हैं दिव्य दृष्टि में. स्कैरी नहीं लग रही तो अच्छी लग रही है बहुत. नहीं बट दैट इज देयर मोटिव कि वो दिखाना वो चाहते हैं कि लोग डरे, मतलब एज अ कैरेक्टर लावण्या से लोग डरे. सो दैट इज व्हाई दे हैव मेड मी अ शेप शिफ्टर लिजर्ड. सो विच इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो. मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ रोल कर रही हूँ. सो डेफिनेटली इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी. थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई बट देन एवरी डे आई फेस
पहली बार कुछ क्रोमा का शूट करते हैं ना, क्रोमा का और शेप शिफ्टर, यू नो आधा कुछ और पहना होता है और आधे नीचे कपड़े कुछ और पहने होते हैं, सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बट आई एम लविंग इट. अब तो शोज ही ऐसे बनते हैं आजकल, नागिन और कौन से हैं, नागिन, नजर, दिव्य दृष्टि में कितना आपको पता नहीं है, हम लोग एक एक छोटे छोटे शॉट के लिए कभी कभी 4-5 घंटे स्ट्रेच हो जाता है बिकॉज वो इतना टेक्निकल शॉट होता है बिकॉज ऑफ फ्लाइंग और समथिंग एल्स. सो बहुत टाइम लगता है ऐसे शोज़ बनाने में. एंड थैंक यू टू ऑल द दिव्य दृष्टि व्यूअर्स कि आप सबको अच्छा लग रहा है जो भी हम सीन्स बना रहे हैं, सीन्स कर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर लविंग दिव्य दृष्टि. डॉक्टर ईशानी को देख के कैसे लग रहा है? हम पेशेंट्स हो गए डॉक्टर ईशानी को देख के, तो वो अभी आके हमारा ट्रीटमेंट करेंगी तब हम बताएंगे कैसा लग रहा है. संजीवनी अभी देखो ना, अभी तक उससे पार्टी नहीं दी है, बच नहीं है अभी तक पार्टी से, अभी भी वो कहीं उससे टाइम ही नहीं मिल रहा शूट से, अभी उसका अभी से इतना हेक्टिक हो गया शूट कि शी इज नॉट एबल टू यू नो गेट टाइम. सो अभी मिलेगी जैसे ही तो हम उसको पार्टी के लिए पकड़ लेंगे. थैंक यू